शानदार जबरदस्त खूबसूरत व्यू है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से ट्रिप व्यू में नॉर्मल ब्लॉग्स आते थे आराम से, मतलब जस्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग आते थे, अब अचानक से ये क्या देखने मिल रहा है हमें, मोटो ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, हमने सोचा है कि ना अपने चैनल में थोड़ा एडवेंचर किया जाए, और टाइटल पर पढ़कर आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो जी हाँ, हम जा रहे हैं अहमदाबाद टू द्वारका वाया अपनी एक्टिवा, जो कि एक्टिवा 3G है, और सुनकर ही बहुत ही फनी और बहुत ही एडवेंचरिंग फील हो, मतलब थ्रिल फील हो रहा है कि क्या एक्टिवा से, वो भी 437 किलोमीटर्स, जो कि मेरे एरिया से बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम 400 ऑलमोस्ट गिन लो ना 450 किलोमीटर्स एक्टिवा से तय करने जा रहे हैं फॉर श्योर। और ये ट्रिप ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ है ना ये ट्रिप मतलब हमको 2 दिन में कवर करना है, ये ट्रिप हम सिर्फ और सिर्फ आज ही के दिन एक ही दिन में कवर करना है। मतलब अभी हम निकले हैं, समझ लो अभी ये कुछ 6:30 हो रहा है, 6:30 को मतलब मैं 6:15 को निकल गया था मेरे घर से, और ये 6:13 को हम पहुंच गए हैं मेन रोड से। अब यहाँ से हमें हाईवे टच करना है, हाईवे टच करने के बाद सीधा सीधा नॉन स्टॉप हमें जाना है अहमदाबाद से राजकोट, जो कि है 200 किलोमीटर्स, एंड उसके बाद 250 किलोमीटर अराउंड जो पड़ेगा अपना द्वारका। जी हाँ दोस्तों, सो इस तरह से अब एडवेंचर करते हुए हमें ब्लॉग में जाना है। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, मौसम भी बहुत अच्छा है, और हाल ही में आज कल रात को बहुत बारिश हुई, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और आज अचानक से बारिश हुई। तारीख आज की है दोस्तों 17 अगस्त 2021। कल ही रात को बहुत ही मूसलाधार धुआंधार बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा है और सुहाना है, ऐसे मौसम में ही जाने का मज़ा है। अच्छा हुआ थैंक गॉड मैं सुबह जल्दी निकल गया, ताकि जिससे क्या जितना हो सके जितना दोस्तों हो सके उतना मुझे है ना ठंडे मौसम में ही जर्नी कवर कर लूँ, ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाए ठंडे मौसम में ही, तो ही बेटर है, वरना भाई साहब धूप आ गई जो फिर तो मोटो ब्लॉगिंग पॉसिबल तो है। तो दोस्तों ये है नज़ारा, खूबसूरत मौसम, ठंडी हवाएं सुबह का, हालांकि मैं जल्दी इतनी जल्दी उठता नहीं हूँ सुबह, बट अभी ये सब कर रहा हूँ तो एडवेंचर तो फील हो रहा है दोस्त, क्योंकि सुबह उठना ही एक एडवेंचर है मेरे लिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके बाद इस तरह से राइड पर जाना, हालांकि मुझे राइड करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लॉन्ग राइड, मैं छोटा था ना तो इस तरह, जैसे अंकल देख रहे हैं आपको, ऐसे अंकल तो नहीं था छोटे में, मतलब इतना छोटा था, तो इस तरह से साइकिलिंग कर करके मैं है ना मेरे घर से बहुत दूर दूर जाया करता था, और हल्का सा भी तालाब वगैरह या कोई छोटा नहीं, छोटी गंगा वगैरह मतलब छोटा सा ही नहीं, कुछ ऐसे मिल जाता था तालाब वगैरह, छोटी नदी ऐसा है सब, तो वहाँ मैं बैठा रहता था लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और सोचता रहता था कुछ ना कुछ ऐसे ही बचपन के ख्याल, यू नो अब बड़े हो गए हैं, अब बड़े तालाब में जाएंगे, बड़े समुद्र के आसपास जाके बैठेंगे, जो कि है द्वारका में डनी पॉइंट्स वगैरह, वो एनीवेज वो सब तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा फॉर श्योर। इसमें तो हम सिर्फ जर्नी कवर करेंगे, और दोस्तों बहुत ही बेस्ट मौसम है, वाह यार सीरियसली सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, ऊपर से ये बारिश होने के बाद तो भाई साहब। अभी मैंने एक्चुअली ब्रेक मारा ना वहाँ पे, 4 रास्ता आया था वहाँ ब्रेक मारा, तो मैंने कल ही क्या एक्चुअली है ना टायर चेंज करवाया था, तो मैंने ब्रेक मारा तो पूरी गाड़ी स्लिप हुई, क्या वो बारिश के कारण है या जस्ट बिकॉज मैंने ऐसे ही ब्रेक मारा तो वो टायर की ग्रिप जो चेंज हो गई है, तो उसमें मैं कम्फर्ट नहीं हो भी एन, मुझे चेक करना पड़ेगा साइड में लेके कि ब्रेक मारने से क्या होता है। ओह गुड है गुड, नहीं नहीं दोस्तों सही है, एक्चुअली क्या हुआ वो वहाँ पे पानी ज़्यादा था तो स्लिप हो रही थी, तो उस हिसाब से मुझे अब ड्राइव करना होगा। सो चलिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा मौसम है, मज़ा आ रही है, और हाँ अब जर्नी शुरुआत हो गई, हालांकि मैंने मैप में अभी देखा नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता ही है कि अहमदाबाद टू राजकोट का जो हाईवे है वही टच करते हुए जाना है, और कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, ना ना सही जा रहा हूँ। एनीवेज सो ये है अहमदाबाद टू राजकोट, एंड देन राजकोट टू अपना द्वारका। ठंडी हवाएं काफ़ी दिनों बाद मैंने फील की है, मतलब इस तरह से काफ़ी दिनों बाद निकला हूँ, और यार मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार है ना रुक कर बैग चेक कर लूँ, मेरा खुला तो नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जो पानी की बोतल है ना वो अजीब सी आवाज़ें कर रही हैं, तो मुझे एक्चुअली देख लेना चाहिए क्या। हाँ एनीवेज देख ही लेना चाहिए, पर सोच रहा हूँ कि लग गया तो उसी तरह पेट्रोल पंप आ जाए तो यार पेट्रोल भी पुरवा ही लें, और फिर देन फिर नॉन स्टॉप गाड़ी जाने दें। और अरे 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 ये यार टायर मुझे क्यों संभाल नहीं पा रहा है, या मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, मतलब अभी कल क्या हुआ, मैंने टायर ये अपनी एक्टिवा का
टायर चेंज कराया था एक्चुअली। क्या बोले क्या था कराया चेंज, तो एक्टिवा बड़ी उछल उछल के चल रही है यार। अच्छा एक्टिवा भी एक्साइटेड है? अच्छा, ऐसा कह रहे हो। अरे यार एक्टिवा ऐसा कह रही है कि मैं भी तो एक्साइटेड हूँ इतनी लंबी टूर के लिए, वो भी एक ही दिन में जो कवर करना है 500 किलोमीटर। हाँ भैया ये बात सही बोली एक्टिवा जी। लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पीड में गाड़ी चल रही है और ये क्या कांटा सोया हुआ है। रात तो ख़त्म हो गई है, कांटा सो रहा है। कांटा कांटा भागा कांटा भागा, हर सिक्के के दो पहलू। तो दोस्तों पहला पेट्रोल पंप मिल गया है, पहली भरपाई हो रही है हमारे एक्टिवा में पेट्रोल की। डीजल डलवा दूँ क्या? डीजल डलवाने से उसके बाद क्या सीधा ऐसी गाड़ी भागेगी कि सोची ना होगी। नहीं भैया पेट्रोल ही डला ले। और पेट्रोल डलाने के बाद हम जाएंगे। अरे यार जल्दी चलो यार। अरे मैडम जी आगे लो क्या? वो आएगा। अरे किसको बोल रहे हो भाई? अरे यार क्या तुम भी डरा देते हो हैवी ड्राइवर। अरे अरे मैडम जी हटिए यार। दबा दो बरोबर। अपनी ये गाड़ी में पुरवा लिया है फरारी वाला ऑयल, अब ये फर्र से भागेगी। इस तरह से हर एक सिटी से सिटी, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री तो नहीं बट सिटी टू सिटी इस तरह से वेजिटेबल्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हो, देखो वो नारियल पानी पड़ा है यार, देख के पीने की इच्छा हो गई यार सीरियसली। फ्रूट ट्रांसफ़र होता है। ये कौन है भाई हॉर्न मार रहा है? आओ आगे। पीछे से क्यों हॉर्न मारते हो यार? आगे आओ। हाँ ऐसे आगे आगे जाओ चुपचाप। हॉर्न नहीं मानने का पीछे से, ऐसा मानने का अच्छी बात है वैसे तो। रूल्स का फॉलो कीजिए, बस बात ख़त्म। फेक हंसी। एनीवेज ये थी रियल हंसी, मेंटोस जिंदगी। सही बताऊँ दोस्तों तो ये बारिश हुई ना उसकी वजह से मेरा जो मन है जो मतलब ये राइड करने का और इस तरह से ब्लॉग करने का जो भी है ये दुगना नहीं कम से कम 5 गुना हो गया है, 5 गुना हो गया है सीरियसली। क्योंकि यार मौसम स्पीड मीटर होता तो बड़ा मज़ा आ जाता, दिखता कि हम कितनी स्पीड में भगा रहे हैं। कोई नहीं, लाइफ डज नॉट गिव यू एवरीथिंग दोस्तों। ज़िंदगी सब कुछ नहीं दे सकती, कुछ लेगी तो कुछ देगी और कुछ देगी तो कुछ ले लेगी चपेट मार के। ऑलमोस्ट कुछ 30 किलोमीटर्स कवर हो चुका है, अब ओनली 400 किलोमीटर्स बाकी है द्वारका तक के लिए, जो कि अब थोड़ी मंजिल करीब नहीं मतलब अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। और बहुत ही अच्छा रोड है और बहुत ही अच्छे मौसम के साथ, और सामने गाड़ी आ रही है, लगता है टार्जन द वंडर कार है क्या जो रॉन्ग साइड में आ रही है? हाँ टार्जन ही है। अरे वाह देखो दोस्तों हुंडई की टार्जन। तो इस तरह से अभी अच्छी खासी स्पीड भी मेंटेन कर रही है गाड़ी, स्पीड पकड़ लिया है, 500 की स्पीड में चला रहा हूँ दोस्तों। अरे 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 तो दोस्तों ये है कुछ ट्रक। तो दोस्तों बताइए हमें ओवरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो बोलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे ज़ोर से बोलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलो खाली खाली ही रोड है कर लेते हैं। तो ये था हमारा ओवरटेक छटकू सा। हाँ और इस तरह से काफ़ी अच्छा रास्ता है दोस्तों, रोड वेल मेंटेन एकदम फर्स्ट क्लास। मतलब तुम चल के भी मोटो व्लॉगिंग करो, मतलब चल के भी वो जा सकते हो, उड़ के भी जा सकते हो, परफेक्ट रोड है, आई लव इट। और काफ़ी अच्छा रोड है वेल मेंटेन, सो रोड की तो कोई, अरे कुछ लगता है ज़्यादा तारीफ़ कर दी क्या? अरे भैया माफ़ करो मैंने ज़्यादा तारीफ़ कर दी हो तो, रोड जैसे ही बोला रोड वेल मेंटेन है तो तुमने नज़र लगवा ली खुद को। अरे बट कोई नहीं, ऑल गुड, ये थोड़े बहुत पैचेस तो आते ही हैं एज यू नो। अरे क्यों लटकाए खड़े हो सुबह सुबह बेटी पुष्पा? चलो 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 ज़्यादा कॉमेडी नहीं, खमेडी खमेडी। अरे अयो रोड बड़े हट्टे कट्टे हैं आजकल तो भैया, पछाड़ देते हैं हैवी ड्राइवर को। ठंडी हवाएं भाई, जब तक बारिश नहीं हुई थी ना अहमदाबाद में, अभी कल ही बारिश हुई रात को जैसा मैंने बताया, तो भाई साहब बारिश होने के बाद जो ठंडा ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि उसके पहले तो जो गर्मी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब रेनी सीजन है, समर आ गया था पूरी तरह से, हर जगह ऐसा ही था मतलब पूरे अहमदाबाद और ऑलमोस्ट गुजरात में। तो
तो अभी थोड़ा ठीक है, अभी अच्छा जा रहा है। अभी बारिश हो गई है तो अभी क्या ब्लॉग भी अच्छा हो रहा है, मोटो ब्लॉग भी अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मोटो ब्लॉग ब्लॉग कुछ किया जाए। और ये इस तरह से कुछ नगाड़ा है दोस्तों, नगाड़ा सॉरी नज़ारा। थोड़ा थोड़ा मैं आज एक्साइटमेंट में इतना हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा नज़ारा को नगाड़ा बोल दूँ तो माफ़ करना। पंखुड़ियाँ हैं गुलाब सी, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा यही हैं वो पंखुड़ियाँ गुलाब सी। अरे दोस्तों ये मैं पहले जब छोटा था ना तो मैं ये देखता था ना, मतलब हाईवे में कभी भी, अरे भाई इतनी सटा सटा के गाड़ी क्यों निकाल रहे हो दोस्तों? अच्छा हाईवे है, सॉरी भूल जाता हूँ। हाँ ये मैं पंखुड़ियाँ देखता था ना तो मुझे क्या लगता था ये एरोप्लेन्स के वो जो साइड के विंग्स होते हैं ना वो हैं, बट वो नहीं हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं क्योंकि बट क्या हो? अच्छा हाँ ये वो पवन चक्की बोलते हैं ना शायद उनके हैं। हाँ समझ गया। वो जो पवन चक्की होते हैं ना उनके विंग्स हैं। और बचपन में हम क्या क्या सोचते थे कि देखो विमान के मतलब एरोप्लेन्स के जा रहे हैं विंग्स। अरे भाई साहब बचपन तो बचपन है, निराला है, सबका आपका हमारा प्यारा है। कि मैंने जब मैं सुबह सुबह घर से निकला ना तो कल रात को जब मैं तैयारी कर रहा था निकलने की तो मैंने सोचा ये एक्टिवा जो है इसको वॉश करूँगा, मतलब सुबह सुबह थोड़ा ऐसे धो दूँगा। तो रात को ही बारिश हो गई और बारिश हुई तो उसके बाद तो खुद ही अपने आप पूरी वॉश हो गई। मतलब इस तरह से नेचर भी अपने साथ है, जब कुछ दिल से करना चाहो तो पूरा नेचर कायनात सब साथ लग जाती है सपोर्ट करने में। तो बस आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो सब्सक्राइब करके, चांस तो छोड़ना नहीं है ना। इसी तरह जहाँ कहीं मौका मिले बोल दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो। तो ये फाइनली आ गया अपना पहला टोल प्लाज़ा राजकोट 147 किलोमीटर। सो फाइनली 147 किलोमीटर राजकोट है, फिर उस राजकोट के बाद से 147 किलोमीटर अराउंड कुछ अपना द्वारका पड़ता है। सो फर्स्ट टोल प्लाजा इज़ कम्प्लीटेड नाउ, कुछ ही दूर बचा है राजकोट एंड देन उसके बाद द्वारका। कहीं कहीं अच्छे रोड हैं, कहीं कहीं थोड़े पैचेस हैं, बट ये तो होता ही है। बट जब अच्छे रोड आते हैं तब ड्राइव करने का अलग ही मज़ा रहता है, गाड़ी स्मूथ एकदम चलती रहती है एक ही स्पीड में। और ऐसे जो थोड़े पेचेस वाले रोड आते हैं उसमें कैसा होता है कि गाड़ी की स्पीड थोड़ी आगे पीछे हो जाती है और उल्टा अपने को भी थोड़ा तकलीफ़ हो जाती है। बाकी अब तक सब ठीक है, सूर्योदय हुए नहीं है लगता है आज, सूरज देवता मत ही आओ आज तो ठीक है, बाकी दिन तो आ जाना। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी पेट्रोल पंप पुराना है उस साइड जाना है, पेट्रोल। भरो। ये दोस्तों देखने में तो ऐसा लगता है जर्नी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी जल्दी, क्योंकि जिस हिसाब से शुरुआत में जो एनर्जी के साथ मैंने मतलब रास्ते किलोमीटर्स कंप्लीट किए थे जितनी स्पीडली, अभी नहीं हो पा रहा है दोपहर को। पता नहीं क्यों ट्रैफिक बढ़ गया या एनर्जी थोड़ी लो है या क्या है आई डोंट नो, बट अब लग रहा है सही में कि यार शाम तो हो जाएगी फॉर श्योर। क्योंकि अभी के रास्ते अब कैसे हैं, अब सिटी टाइप के हैं ये सब, देखो पूरा सिटी का ट्रैफिक एंड ऑल, तो फॉर श्योर शाम तो हो ही जानी है। और सुबह सुबह के साथ ओनली हाईवे एंड हाईवे। अच्छा है अभी बीच में मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद थोड़ी एनर्जी अच्छी खासी एनर्जी मेंटेन है, अब आराम से नॉन स्टॉप हम 100 किलोमीटर्स कवर कर लेंगे। मुझे लग रहा था कि दोस्तों मैं 3-4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ये तो यार अभी मेरे को लगता है 7 बज जाएंगे। हालांकि फ़र्स्ट टाइम था इस तरह से इतनी बड़ी राइड में और लंबी राइड में, सो अनुमान थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं पहुँच जाएँ वही बहुत है। ऑलराइट दोस्तों, सो फाइनली पहुँचने ही वाले हैं बहुत जल्द, बहुत ही करीब हैं हम हमारी मंजिल के जो कि है द्वारका। और यहाँ खड्डे और ये रोड, ये वाला रोड पूरी जर्नी में बहुत ही ख़राब रहा अब तक की। सो दोस्तों ये है कुछ द्वारका की शाम, हालांकि हम पहुँच ही गए हैं बट डेस्टिनेशन थोड़ी दूर है, कुछ 50 किलोमीटर्स रह गया है। और ये लास्ट के जो 50 किलोमीटर्स ही होते हैं ना दोस्तों वही काटना बड़ा भारी पड़ जाता है, यू नो। 6 बज रहे हैं अभी, 6 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास अपने द्वारका में एंट्री ले लेंगे, द्वारका के अंदर ही सिटी में, मेन सिटी में।
सब बहुत ही अच्छा है दोस्तों। हालांकि इतनी ज़्यादा थकावट नहीं लग रही है, दोपहर को थोड़ा लगा था, यही 2-3-4 बजे के आसपास। अभी मौसम ढल रहा है, शाम हो रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है, ओके गुड नॉट बैड। फाइनली हम द्वारका पहुंच चुके हैं, यहाँ से बस अब 10 ही मिनट के रास्ते में हम पहुंच जाएंगे सिटी में। और इस तरह से ये ब्लॉग होता है यहाँ पर समाप्त दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मोटो ब्लॉगिंग, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपना ओपिनियन शेयर करना इस कमेंट के थ्रू। और प्लीज़ अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सीधा आपको ब्लॉग मिलेगा जो कि होगा द्वारका एक्सप्लोर करेंगे हम द्वारका में जो भी घूमने की जगह हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।